आज के समय में 10 करोड़ की हैसियत भले ही कम हो गई है, लेकिन आज़ादी से पहले ये रकम इतनी थी कि जिससे नेपाल में कई देश खरीदे जा सकते थे। इतनी बड़ी रकम अगर कोई सिर्फ अपनी पालतू कुतिया की शादी के लिए खर्च कर सकता है तो ऐसे नवाबी शौक के क्या कहने। जूनागढ़ के नवाब महाबत खान भारतीय इतिहास में ऐसे ही कारनामों के लिए मशहूर हैं। एक कुतिया की शादी में देश में महाराजाओं के साथ ही वायसराय को बुलाने की हिम्मत करने वाला और कोई नहीं बल्कि गुजरात के जूनागढ़ रियासत के नवाब महाबत खान थे। महाबत खान को कुत्तों से बेहद मोहब्बत थी। उन्होंने हजारों कुत्तों की बकायदा एक ब्रिगेड ही बना रखी थी। हर एक कुत्ते की देखभाल किसी शहजादे शहजादी से कम नहीं होती थी। बहरहाल नवाब की दुलारी कुतिया रोशन आरा की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। शादी को लेकर पूरे रियासत में चहल पहल थी। शादी के लिए रियासत में 3 दिनों तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। बारात मंगलोर यानी कर्नाटक से आने वाली थी। रोशन आरा की शादी महाबत खान के बहनोई और मंगलोर के नवाब की शिकारी कुत्ते बूबी से होने वाली थी। निकाह की मुबारक घड़ी आ गई थी। नवाब की लाडली कुतिया रोशन आरा को सेंट और इत्र से नहलाया गया। हीरे जवाहरात से लदी रोशन आरा दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार थी। बारात की अगवानी करने नवाब महाबत खान खुद जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे। नवाब के साथ करीब 250 कुत्तों का हुजूम हाथियों पर सोने चांदी के हौदे में सवार होकर बारात की अगवानी के लिए गया था। रोशन आरा के शौहर बूबी के स्वागत में रेलवे स्टेशन में लाल कालीन बिछाई गई। बूबी को फौजी सलामी भी दी गई थी। नवाब जूनागढ़ के महल दरबार हॉल को इस मौके पर खास तरीके से सजाया गया था। इसी दरबार हॉल में काजी की मौजूदगी में कुत्ते बूबी और कुतिया रोशन आरा के निकाह की रस्म अदायगी पूरी हुई। हालांकि तब जमाना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं था, लेकिन इस शादी को कवर करने के लिए देश विदेश के नामी अखबारों के जर्नलिस्ट जूनागढ़ पहुंचे थे। हालांकि शादी में बड़े बड़े राजे रजवाड़े और ब्रिटिशर्स शामिल थे, लेकिन वायसराय लॉर्ड इरविन और लेडी इरविन नहीं आए। रोशन आरा की शादी के बाद उत्तर भारत के दूसरे रियासतों में भी अपने पालतू जानवरों की शादी का फैशन चल पड़ा। बाद में जिंद और पटियाला जैसे रियासतों में भी ऐसी शादियां देखने को मिली थीं।